असल स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू सिस्टम्स इस चैप्टर को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया है द नंबर वन इज़ थ्योरी ऑफ सिस्टम्स दैन टाइप्स ऑफ सिस्टम थर्ड वन इज़ सिस्टम एंड साइंसिस एंड द लास्ट वन इज़ कंप्यूटर एज अ सिस्टम इन सबको हम स्टेप बाई स्टेप इन डिटेल कवर करेंगे सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट विच इज़ थ्योरी ऑफ सिस्टम्स देखिए स्टूडेंट्स आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम सोलर सिस्टम एजुकेशन सिस्टम लेकिन ये इन एक्चुअल में ये सिस्टम होता क्या है सिस्टम का मतलब होता है ऐसी चीजों का ग्रुप जो मिलकर पर्पस के लिए काम करते हैं अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अ सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ कंपोनेंट डेट वर्क टूगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल मतलब ये है कि सिस्टम सिर्फ एक चीज नहीं होती बल्कि ये बहुत सारी चीजें या कंपोनेंट्स कंपोनेंट मीन पार्ट्स बल्कि ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं देन ये एक स्पेसिफिक काम या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे बुक में भी मैंशन है एक कार इट इज मेड अप ऑफ इंजन व्हील्स ब्रेक्स ये सारे इसके कंपोनेंट हैं एक कार के अंदर बैटरी होती है चार्जर होता है ब्रेक होती है ये सारे अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं लेकिन जब ये मिलते हैं इनको हम ऑर्गेनाइज वे में सेट करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम डिवेलप हो जाता है जो कि एक कार है इसके अलावा हम बुक को भी साथ साथ कवर करेंगे देखा जाए तो बुक में सिस्टम नहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन लिखी है बेसिकली ये दोनों सेम है अगर आप चाहते हैं सिस्टम की डेफिनेशन लिखे तो आप सिस्टम की लिख सकते हैं नहीं तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी लिख सकते हैं दोनों सेम है तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वन भी है एक्सरसाइज का जो कि कुछ इस तरह है कि व्हाट इज़ सिस्टम एंड राइट इट्स बेसिक कंपोनेंट व्हाट इज सिस्टम में आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके जो कंपोनेंट्स है वो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स वो लोग जिनका सिस्टम में इंटरेस्ट डिवेलप होता है और वो चाहते हैं कि वो इसको मजीद स्टडी करें तो उसके लिए सिस्टम थेरी है मेन सिस्टम थेरी क्या है सिस्टम थेरी साइंस की एक ब्रांच है साइंस की एक फील्ड है जो कम्प्लैक्स स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस को स्टडी करती है इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विथ कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबसे कम्प्लीकेटेड सिस्टम कौन सा है ये स्ट्रक्चर कौन सा है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान ये कैसे सोसाइटी के साथ रिलेट करते हैं और ये कैसे साइंस के साथ रिलेट करते हैं इसको इन डिटेल हम इस फील्ड में या साइंस के इस ब्रांच में स्टडी करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो सिस्टम है और उनके सब सिस्टम है कैसे वर्क करते हैं लेट्स सपोज कि हमारे पास जो हमारा सिस्टम है वो है ह्यूमन बॉडी सिस्टम वो एक प्रॉपर सिस्टम है और उसके सब सिस्टम अगर हम देखें तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है ह्यूमन ब्रेन सिस्टम आ जाता है तो ये उसके सब सिस्टम्स हैं इस थ्योरी में हम इनके ऊपर फोकस करते हैं उसके अलावा कि ये पार्ट आपस में कैसे इंटीग्रेट होते हैं और ये सिस्टम टाइम के साथ कैसे ग्रो और चेंज होते हैं उनको देखते हैं ये था हमारे पास सिस्टम थ्योरी तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि हम सिस्टम्स को कहाँ देख सकते हैं या ये कहाँ मौजूद होते हैं हम इन्हें कहाँ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं तो इसका आंसर बुक का सेकंड पैराग्राफ है जिसमें ये बताया गया है कि सिस्टम्स हर जगह पाए जाते हैं मतलब नेचर में प्लांट्स एनिमल वेदर सिस्टम इन सब में हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं देन कुछ ह्यूमन मेड डिज़ाइंस जैसे कार्स हो गई कंप्यूटर्स हो गई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सिस्टम इन सब में हम इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम में हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और कुछ अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों में जैसा कि मैथमेटिकल फार्मूलाज और मॉडल्स में भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि सिस्टम थ्योरी को स्टडी करके हमें क्या फ़ायदा होगा या इसको पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा बेसिकली तो ये क्वेश्चन इस तरह बनता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम थ्योरी क्या है सो so, इसको हम देखते हैं कि सिस्टम थेरी को समझने से हमें चीज़ों को डिज़ाइन करने में उसे इम्प्रूव करने में और मैनेज करने में मदद मिलती है कुछ फील्ड्स हैं जहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जैसे कंप्यूटिंग कंप्यूटर नेटवर्क या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में सिस्टम थेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उसके अलावा बायोलॉजी में जैसे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इन सब को स्टडी करने में मदद मिलती है इसके अलावा इंजीनियरिंग्स जैसे मशीन मशीन्स को डेवलप करने में या ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको समझने में ये यूज़ होती है इसके अलावा साइंसेस जैसे सोसाइटीज़ को मैनेजमेंट करने में भी मदद मिलती है so, so, स्टूडेंट्स so, so, हर चीज़ के कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी बेस पे हम उनको समझते हैं या उनके बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सो फर्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव अगर आप कोई भी सिस्टम डिवेलप कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं तो आपके माइंड में जो पहली चीज़ होनी चाहिए वो है ऑब्जेक्टिव मीन हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक गोल होता है तो जो आपका सिस्टम है वो आपको क्या फ़ायदा दे रहा है उसके बारे में सोचना द नेक्स्ट वन इज़ कम्पोनेंट हर सिस्टम कुछ कम्पोनेंट्स से मिलके बना होता है तो उस कंपोनेंट्स में कौन कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं देन वो कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं कैसे एक दूसरे के साथ पा, वो पार्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको देखना एंड द लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम इज एनवायरमेंट मीन हर सिस्टम एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट के अंदर ऑपरेट करता है तो उसको स्टडी करना सो so, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे कवर करेंगे जैसा कि बुक में भी मैंशन है थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट क्या करता है रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तो ये एक सिस्टम है ये एक बहुत सिंपल सिस्टम है उसके अलावा कंप्लेक्स सिस्टम भी है जैसा है कि है ह्यूमन बॉडी या फिर कंप्यूटर नेटवर्क तो इन कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम में ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंट इंक्लूड है जिनको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे होप सो so, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो